जितने भी लोग यहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको दिया है। मेरा एक निवेदन है, मनुष्य जीवन में ही ये अधिकार प्राप्त है कि हम धर्म करें कि अधर्म करें। धर्म करेंगे तो भगवत प्राप्ति कर सकते, अधर्म करेंगे तो नरकों में जाना पड़ेगा और नरक की यात्राएं भोगनी पड़ेंगी। अब अगर भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है तो एनी हाउ हमें हमारे जीवन में एक प्रयास जरूर करना चाहिए। पहला प्रयास, हम सनातनी बने। पहला प्रयास, हम सनातनी बने। दूसरा प्रयास, मेरे बाद भी मेरे घर में ठाकुर जी की पूजा होती रहे, मेरे बाद भी मेरे घर में ठाकुर जी के आगे दीपक जलता रहे, मेरे बाद भी ठाकुर जी को भजन सुनाते रहे, ऐसा संस्कार मैं अपने बच्चों को देकर चला जाऊं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। अगर हम सनातन के लिए जागेंगे नहीं, अपने बच्चों को जगाएंगे नहीं, मैं विश्वास से कहता हूं आने वाला समय बहुत खतरनाक है। आज आप इसराइल को देख के डर रहे हो ना, है? आज आपको लग रहा है इसराइल में बड़ा डर हो रहा है, फिलिस्तीन में बड़ा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, डर रहे हो ना, डर रहे हो कि नहीं? आप कल्पना करो, जब कृष्ण मंदिर जन्मभूमि में मथुरा मंदिर तोड़ा गया होगा, तब मथुरा की गलियों में क्या हाल हो रहा होगा? जवाब दो, कैसा दृश्य होगा? जब अयोध्या का मंदिर तोड़ा गया होगा, जब सनातनियों के तमाम मंदिर तोड़े गए होंगे, तो जिन जगहों पर वो मंदिर तोड़े गए होंगे उन गलियों का हाल क्या होगा, कैसा हाल होगा? क्या सनातनियों को बैठाल बैठाल के उनकी पूजा की गई होगी कि तुम बैठो हम तुम्हारा मंदिर तोड़ने आए? अरे आज जो इजराइल में हुआ है, हम सनातनियों के जीवन में वो ऑलरेडी हो चुका है, और अगर नहीं सुधरे तो आने वाला फिर समय वही देखने को हमें विवश कर देगा। कश्मीर में क्या हुआ था, क्या हुआ था कश्मीर में? ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा एक भी शहर नहीं है जिस शहर में सेंसिटिव इलाका नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिटिव इलाका, बताइए आप? हम लोग इतनी बड़ी संख्या में, कोई इलाका सेंसिटिव नहीं है? और थोड़े से इलाके में कोई व्यक्ति आ जाए तो वो सेंसिटिव इलाका हो जाता है? व्हाई, रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है सनातनी सो रहा है, इसका रीजन है सनातनी जानबूझ के सोने का नाटक कर रहा है। सारी स्थितियां जानकर भी हम लोग मौन हुए बैठे हैं। इसके पीछे गुनहगार वो नहीं, इसके पीछे गुनहगार हम हैं। अगर आज हम नहीं जागे तो पुनः एक बार भारत में इजराइल फिर से होगा, कश्मीर फिर से होगा, और शहर शहर में होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। खुद सनातनी बनिए, अपने बच्चों को सनातनी बनाइए, और अपने धर्म की रक्षा कैसे करनी है ये अपने बेटे और बेटियों को समझाइए।